इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 2009 से खुद जो सत्ता में है, मुसीबत यह है कि जो सत्ता एक बार पकड़ लेता है वो उसके लिए ईवीएम अच्छी हो जाती है। अच्छा। जब ये कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो कांग्रेस और ये दल ईवीएम का मुद्दा उठा के बैठे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक दल हैं जो जाके इलेक्शन कमीशन के सामने जाके चाय सर्वदलीय बैठक के नाम पर एक खाना पूर्ति करके आते हैं, इनको जाना चाहिए रोडों पे। वोट अगर आप समाज से लेने आते हैं तो आपको वोट का अधिकार बचाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए दिल्ली में, बहुत सारे कैडर किए, उन सभी के माध्यम से हम लोगों ने ये बात समझाने की कोशिश की कि इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे अब इंजीनियर निकल के आ रहे हैं, डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, साइंटिस्ट निकल के आ रहे हैं, उन सभी डॉक्टर इंजीनियर्स को मैं यही पूछना चाहूँगा कि अब वो कहाँ चला गया, और जब चुनाव हो गया तब आप उसके बाद आप चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 5 साल आप इसी तरह अपनी राजनीतिक ढबली बजाइएगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी का ये अब आने वाले टाइम में, क्योंकि उनका जो संविधान है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो नागपुर से चलता है, वो वहाँ पर इस तरह की थ्योरी क्रिएट की जा रही है और लोगों में क्रिएट किया जा रहा है कि संविधान नाकाफी है, ये संविधान नाकाबिल हो चुका है, इसलिए इसको बदला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 के बाद अब ये पूरा सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात करेगी, तभी आप देखिए माफिया गुंडे बदमाश बीजेपी में जो लास्ट टाइम 34% थे इसमें 44% बढ़ गई हैं, जो पार्लियामेंट में शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये सब लोग जो आए हैं पार्लियामेंट में, तो ये सभी लोग संविधान विरोधी हैं, सब लोग कोई आतंकवाद का दंश झेल रहा है, कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, कोई हत्या का बलात्कार का केस झेल के उसमें आए हैं। तो आप ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको कानूनी रूप से आपको सजा देगा उसमें ख़त्म करके वो मनवाद का जो सिद्धांत होता है कि जो बड़ा आदमी है, जो उच्च जात का है, वो आप पर राज करेगा और जो नीचे वाला वो गुलामी सहेगा, वो गुलामी मार सहेगा, और इस तरह की समस्याओं का जो समाधान नीचे वाले पे होता था वो नई निवारण नहीं होगा। तो इनका एक ही काम है, मैं इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ उन लोगों को भी दोष दूंगा जो बहुजन समाज, समाजवाद और RJD, समाजवाद मंडल आयोग, ये तमाम तरह की जो संस्थाएं बना के बैठे हुए थे, जो राजनीति चला रहे थे, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन सामने लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जाके ज़मीन पे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, कैडराइज लोगों को करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। चंद जगह कैंडल मार्च या इस तरह की हा हल्ला करने से ये समाधान नहीं होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 15 आपको राइट देता है कि अगर आपने वोट दिया है तो आपको ये राइट अधिकार बनता है कि हम कैसे वोट दें, किसको दें, कैसे दें, ये हमारा अधिकार है, ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हम बताएंगे हमारा मत कहता है, हम उसे बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं, तो बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार भी एक नागरिक का है भारत के। तो ये सारे जो अधिकार थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लगता है ख़त्म होने वाले, ख़त्म हो चुके हैं। जो विपक्ष है वो आपस में बटा हुआ है, तुतुमेमे में लगा है। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप इस संविधान को बचाना है तो सबसे पहली कड़ी मुझे लगता है इस समय एक ही चीज़ है, वो है इलेक्शन कमीशन का बायकॉट करना। इलेक्शन कमीशन की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं, वहाँ पर सुधार बहुत ज़रूरी है और इस सुधार की के लिए आंदोलन होना चाहिए। और ये 5 साल जो भी चलेंगी तो जो भी सरकार का डिसीजन हो, क्योंकि अब आपके अनफेवर होगा, फेवर में नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। कैंडल मार्च का है कि विपक्ष जब तक नहीं आएगा सड़कों पर तब तक जो है ये लड़ाई नहीं जीतेगा। विपक्ष मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे जो सत्ताधारी हो जाता है उसके लिए भी हम ठीक हो जाता है, जो सत्ता में नहीं होता है उसके लिए भी हम खराब हो जाता है। लगातार कांग्रेस बीजेपी सत्ता रही है, केंद्र सत्ता ही सबसे संपूर्ण सत्ता होती है, राज्य एक राज्य में किसी सत्ता आ गई छिटपुट दलों की, वो सत्ता सत्ता नहीं मानी जाती है। केंद्र सत्ता भी 70 साल से कांग्रेस बीजेपी की है, ये लोग नहीं चाहते कि ये समाजवाद का जो स्थापना की लड़ाई लड़ी जा रही थी का लालू यादव, मानवर काशीराम और क्या कहें शरद यादव और मुलायम सिंह यादव द्वारा, ये लड़ाई कमज़ोर हो और कमज़ोर होने के बाद ये लड़ाई उन्हीं मनवादियों हाथों में पहुँच जाए, वही आपका सारा निर्धारण करें। तो साथियों आप सभी लोग ईवीएम का मसला जो है गांव गली में लेके जाएं, गांव गली के लोग इसके खिलाफ जब रोडों पे आएंगे तब ये आंदोलन सफल होगा। जय भीम नमो। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।